नमस्कार मित्रों, सुनिए मेरे एक काव्य संग्रह फिर लौटेंगी स्त्रियां से कुछ कविताएं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है गुजारिश। चाहे मत उतारो मुझे विभिन्न कलाओं की श्रेष्ठताओं में, प्रकृति के मिलन चित्रों में, सभ्यता संस्कृति गीत गजलों में, कैनवास तूल का चित्रों में, भले ही न भरो हरे पीले नीले रंगों से मेरा अंतर। कैनवास तूल का चित्रों में भले ही न भरो हरे पीले नीले रंगों से मेरा अंतर, चाहे ना पुकारो मुझे विशुद्ध प्रेम के आवाहन में, चाहे ना पुकारो मुझे विशुद्ध प्रेम के आवाहन में, विज्ञान आध्यात्म ग्रह नक्षत्रों में मत करो मेरी खोज। चाहे ना पुकारो मुझे विशुद्ध प्रेम के आवाहन में, विज्ञान अध्यात्म ग्रह नक्षत्रों में मत करो मेरी खोज, पर इतना तो करो, पर इतना तो करो स्वाकार लेते मेरे वजूद में मत भरो अपनी कामनाओं का जहर। पर इतना तो करो कि स्वाकार लेते मेरे वजूद में मत भरो अपनी कामनाओं का जहर, मत उखाड़ फेंको मुझे अपनी ही स्वजमीन से, मत उखाड़ फेंको मुझे अपनी ही स्वजमीन से। दूसरी कविता का शीर्षक है चार दीवारी में कैद अनंत इच्छाएं। सुदूर घने जंगल के मध्य गुफा के अंदर जलते असंख्य दीपकों की लौ कभी बुझने ना पाती। सुदूर घने जंगलों के मध्य गुफा के अंदर जलते असंख्य दीपकों की लौ कभी बुझने ना पाती। कांति युक्त करती विशाल काय स्वर्ण मंडित बुद्ध की प्रतिमा को, कांति युक्त करती विशाल काय स्वर्ण मंडित बुद्ध की प्रतिमा को, आस्था से पूरित ये तैलीय दीपक कभी बुझने नहीं पाते। आस्था से पूरित ये तैलीय दीपक कभी बुझने नहीं पाते, पर बुझ जाता है उन भिक्षुणियों का मन जिन्हें किशोर अवस्था में सिर मुंडा कौसे धारण कर सौंप दी गई मंत्रों की पोथी और मोतियों के तस्बीह, जिन्हें सिर मुंडा कर सौंप दी गई मंत्रों की पोथी और मोतियों की तस्बीह, कैद कर दी गई उनकी अनंत इच्छाएं गुफा की चार दीवारी में, कैद कर दी गई उनकी अनंत इच्छाएं गुफा की चार दीवारी में। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है संबोधन। जब तक रह लेती है सांस रह लेती है एक लड़की, जब तक रह लेती है एक सांस रह लेती है एक लड़की, रह लेती है एक स्त्री, एक खिड़की दरवाजा घर छत गली मोहल्ला कुनवा समाज धर्म, एक खिड़की दरवाजा घर छत गली मोहल्ला कुनवा समाज धर्म, माँ बहन पत्नी सखी रह लेती हैं जिम्मेदारियाँ और रिश्ते नाते सब कुछ, माँ बहन पत्नी सखी रह लेती हैं जिम्मेदारियाँ और रिश्ते नाते सब कुछ। जिस दिन उसमें जिंदा हो जाता है वजूद बदल जाता है सब कुछ, जिस दिन उसमें जिंदा हो जाता है वजूद बदल जाता है सब कुछ, अब स्त्री स्त्री नहीं रहती बदल जाते हैं संबोधन, अब स्त्री स्त्री नहीं रहती बदल जाते हैं संबोधन, साबित कर दिया जाता है उसे बदचलन बेहया बेशरम उल्टा इत्यादि संबोधनों से, साबित कर दिया जाता है उसे बदचलन बेहया बेशरम उल्टा इत्यादि संबोधनों से। कविता का शीर्षक है इमामबाड़ा। अगर तुम एक स्त्री हो और बनाती हो समाज में ढले सांचों से इतर कोई अपनी पहचान, तो वे गढ़ देंगे तुम्हारे लिए न जाने कितने चरित्रहीनता के प्रतिमान, तो वे गढ़ देंगे तुम्हारे लिए न जाने कितने चरित्रहीनता के प्रतिमान, तुम्हारे फैसले हर कदम पर होगी गिद्ध निगरानी, झपट लिया जाएगा तुम्हारे सोच के बिंदुओं को। अगर तुम
एक स्त्री हो और बनाती हो समाज में ढले सांचों से इतर कोई अपनी पहचान, तो वे गढ़ देंगे तुम्हारे लिए ना जाने कितने चरित्रहीनता के प्रतिमान। तुम्हारे फैसले हर कदम पर होगी गिद्ध निगरानी, झपट लिया जाएगा तुम्हारे सोच के बिंदुओं को, तुम्हारी आकांक्षाओं इरादों अरमानों पर किया जाएगा उपहास। तुम्हारी आकांक्षाओं इरादों अरमानों पर किया जाएगा उपहास, तंज की कसौटी पर उपहास की नई चुनौतियों से परे। तंज की कसौटी पर उपहास की नई चुनौतियों से परे, जब तुम बढ़ाओगे अपने कदम आगे तो निगाहों के आखे तक अपनी तीखी दृष्टि से करेंगे बार और चुन लेंगे तुम्हारे लिए सलाखों का इमाम बाड़ा। जब तुम बढ़ाओगे अपने कदम आगे तो निगाहों के आखे तक अपनी तीखी दृष्टि से करेंगे वार और चुन देंगे तुम्हारे लिए सलाखों का इमाम बाड़ा। कविता का शीर्षक है जब हम प्रेम में थे। मेरे अंतस के गहन अंधकार से घिरे जंगलों के बीचों बीच निकल आई थी न जाने कितनी अंतहीन पगडंडियाँ। मेरे अंतस के गहन अंधकार से घिरे जंगलों के बीचों बीच निकल आई थी ना जाने कितनी अंतहीन पगडंडियाँ। पर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था जिस पर गुजर कर मैं पहुँच सकूँ तेरे दर। पर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था जिस पर गुजर कर मैं पहुँच सकूँ तेरे दर। मौत के अंतिम पड़ाव पर दे सकूँ तुम्हारे अंतस के दरवाजे पर दस्तक। मौत के अंतिम पड़ाव पर दे सकूँ तुम्हारे अंतस के दरवाजे पर दस्तक, कह सकूँ अब बहुत हो चुके रिश्तों के बंधन, कह सकूँ अब बहुत हो चुके रिश्तों के बंधन, अब मोह मुक्त तुम बैठो मेरे पास। सिर्फ दो घड़े ताकि मैं खो सकूँ तुम्हारे मस्तिष्क पर अपने प्यार की रेखाएं, जो उभरी थी कभी जब हम प्रेम में थे। कह सकूँ बहुत हो चुके रिश्तों के बंधन, अब मोह मुक्त तुम बैठो मेरे पास। सिर्फ दो घड़ी ताकि मैं खो सकूँ तुम्हारे मस्तिष्क पर अपने प्यार की रेखाएं, जो उभरी थी कभी जब हम प्रेम में थे। कविता का शीर्षक है मैं गढ़ती बेजोड़ अनंत। ओ मेरी सर्जना के सर्वस्व, ओ मेरी सर्जना के सर्वस्व, मेरी कल्प मृत का गढ़ती तुम्हारी कई आकृतियाँ। ओ मेरी सर्जना के सर्वस्व, मेरी कल्प मृत का गढ़ती तुम्हारी कई आकृतियाँ, पर चंचलता सौंदर्य की तेजस्वता तुम्हारी, सरक जाती मेरे सृजन व्रत से दे जाती लेखनी जवाब। पर चंचलता सौंदर्य की तेजस्वता तुम्हारी, सरक जाती मेरे सृजन व्रत से दे जाती लेखनी जवाब। हे स्वर्ण पाक असीम पवित्रता रिचता शुद्धता से गर्वित तुम किसी कलाकार से कम नहीं। हे स्वर्ण पाक असीम पवित्रता रिजुता शुचता से गर्वित तुम किसी कलाकार से कम नहीं हो। तुम्हारा सानिध्य मेरी सृजन उत्कंठा को उत्कर्षित करता है। तुम्हारा सानिध्य मेरी सृजन उत्कंठा को उत्कर्षित करता है और मैं गढ़ती अनंत बेजोड़ कलाकृतियाँ तुम्हारी, और मैं गढ़ती अनंत बेजोड़ कलाकृतियाँ तुम। कविता का शीर्षक है हस्ती मिटती नहीं हमारी। कई बार बिखरी हूँ मैं, कई बार बिखरी हूँ मैं अपनी ही जमीन पर, कई बार खरीद फरोख्त में 5 दीनारों से बेचा गया मुझे चौपायों के संग। कई बार खरीद फरोख्त में 5 दीनारों से बेचा गया मुझे चौपायों के संग, कई बार प्रेम की मधुशालाओं में काट हुआ मेरा जिस्म, कई बार प्रेम की मधुशालाओं में काट हुआ मेरा जिस्म, कई बार बेगैरत हुई मैं रक्कासाओं सी, कई बार बेगैरत हुई मैं रक्कासाओं सी, कई बार श्रापित की गई अग्निवृक्षा में उतारी, लूटी गई भरी सभाओं में कभी अपने ही घर में ठोकी पीटी जलाई गई, कभी अपने ही घर में बनी अजनबी ठोकी पीटी जलाई गई, कई बार छीने गए मुझसे मेरे ही आभूषण,
कई बार छीने गए मुझसे मेरे ही आभूषण, कई सत्ताओं ने लूटा मेरे अस्मत के आंचल को, आज भी फरेब में ही हूँ। पर ना जाने क्या बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी भारत भूमि के मानित, पर ना जाने क्या बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी भारत भूमि के मानित। धन्यवाद दोस्तों, ये थी मेरी कविताएं, आशा है आप सभी को पसंद आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।